सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। झांसी में चिकित्सकों पर लगातार हो रहे हमलों तथा चिकित्सालयों में की जा रही तोड़फोड़ के विरुद्ध आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने काला दिवस मनाया। इस दौरान एसोसिएशन के सभी सदस्य चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर तथा काला मास्क पहनकर चिकित्सीय कार्य किया। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टर अनु निगम के नेतृत्व में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले दो सप्ताह से लगातार चिकित्सकों पर हमले तथा चिकित्सालय में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। कोरोना काल में लगभग 750 चिकित्सकों ने मरीजों की जान बचाते हुए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। ज्ञापन में मांग की गई कि चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार कठोर से कठोर कानून बनाए और राज्य सरकार उसे पूरी कड़ाई के साथ लागू करें। इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। सर, आपका नाम? डॉक्टर अनु निगम। आज किस प्रकार से विरोध किया है, क्या मामले में विरोध किया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर के आह्वान पर आज हिंदुस्तान भर में काला दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कि डॉक्टर्स काली पट्टी, काला मास्क, काली शर्ट, टी शर्ट के रूप में बैठ के अपने विरोधाभास प्रकट कर रहे हैं अपने अपने प्रतिष्ठानों में, चाहे वो क्लिनिक पर काम करते हो, चाहे अपना हॉस्पिटल दे रहे हो। क्योंकि हमारे पिछले दो हफ्तों से कई राज्यों में डॉक्टर्स के ऊपर, कोरोना वॉरियर्स के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। इस दौरान करीबन 750 डॉक्टर्स ने IMA के शहादत दी है अपनी जान की बाजी लगाकर। तो हम सभी मांग करते हैं कि उनके ऊपर कोई हिंसा ना प्रकट करी जाए और ऐसा कठोर से कठोर कानून बनाया जाए जो कि केंद्र से लागू हो, उसको हमारी प्रदेश सरकार भी उसको लागू करे और जो मारपीट करते हैं, तोड़ा फोड़ी करते हैं, उनके विरुद्ध कड़ा से कदम उठाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिनके ऊपर भी ये पारित होता है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द उनको मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएँ।